बसमिल्ल राब्राहिम असला डियर वीवर्स होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ आज मैं जो एक इमरजिंग टॉपिक है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ आज देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है वो लेट अस सी द मेन टाइटल ऑफ द टॉपिक now what is gut microbiota and metabolic diseases gut microbiota is found in the gut and the metabolic syndrome is a diseases of cluster of diseases and my name is dr abdul malik assistant professor pharmacology college of pharmacy university of sargodha sargodha let us see the contents now list of the contents includes metabolic syndrome obesity diabetes and cardiovascular diseases and we will discuss gut microbiota modification as a treatment strategy in metabolic diseases like obesity, diabetes, and cardiovascular problems. Now, coming to the metabolic syndrome, what is this? This is the combination of interconnected physiological, biochemical, clinical, and metabolic factors linked to an increased risk of cardiovascular diseases and type 2 diabetes. इसमें जो मेन फीचर्स होते हैं एक तो सेंट्रल ओबिसिटी होती है इसमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं हाइपर होता है यानी हाई लिपिड प्रोफाइल जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड इसमें जो कोलेस्ट्रोल uh, है एच डी ये शामिल हैं एंड हाइपर हाई ब्लड प्रेशर तो मेन फीचर जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ये होते हैं इनमें से एटलीस्ट तीन सिम्टम्स अगर किसी में बंदे में पाए जाएं किसी भी ह्यूमन बीइंग में पाए जाएँ तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा तो ओ बी इज़ ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप टू डायबिटीज़ ये भी आपको पता है कि ओ एक जड़ है रूट काज है बहुत सारे डिजीजेज की जिसमें इंसुलिन रिजिस्टेंस है टाइप टू डायबिटीज़ है बहुत सारी अधर डिजीजे रोमाटाइड आर्थराइटस है कैंसर्स हैं मेटाबोलिक सिंड्रोम इज लिंक्ड विद घट माइक्रोबियाटा दिस इज दें इशू वी विल डिस्कस ओबिसिटी एंड डायबिटीज आर कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस क्या होती है बेसिकली आपको पता है कि स्टेट ऑफ बींग ग्रॉसली फैट आर ओवर वेट इज आर ओबीज उसको हम ओबिसिटी कहेंगे डाइट एक्सरसाइज एंड घट माइक्रोबाटा घट माइक्रोबा आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर दिस प्रॉब्लम फॉर दिस डिजीजेज सो मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज उबीज ओबिसिटी इन घट माइक्रोबेटा आर द मेजर फैक्टर फॉर टाइप टू डायबिटीज़ इन पाकिस्तान डायबटीज़ हैज थर्टी फाइव पॉइंट थ्री मिलियन पीपल अमॉन्ग दी अडल्ट पॉपुलेशन ना अब हम देखते हैं कि इस स्लाइड में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन चेंजेस इन घट माइक्रोब्स इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं सबसे पहला जो फैक्टर है डाइट का है दिस इज शॉन हेयर डाइट जो है अगर सही होगी और uh, हेल्दी डाइट होगी तो हमारे लिए सूटेबल है बेट बेनिफिशल है और इसमें देखें सेंट्रल ओबीसीटी है जिसमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं फ्री फैटी एसिड्स हैं माइक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन हुई तो उसकी वजह से सेंट्रल ओबिसिटी हो गई है इसके अलावा हाइपरग्लासीम हैगलेमिक एंड हाई फैट डाइट जो है ये भी चेंज कर लेती हैं गट माइक्रोब्स को ये भी डाइट की वजह से आ रही हैंपरग्लासीमिया बढ़ रहा है अगर हम ऐसी डाइट लेके जो हाई ग्लैसीमिक इंडेक्स वाली होंगी तो फिर हाई फैट डाइट होंगी तो उससे गट माइक्रोबायोम जो है वो बढ़ जाएंगे जो बेनिफिशियल हैं वो नहीं बढ़ेंगे बल्कि जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम है वो बढ़ जाएंगे इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें इस साइड पर इंक्रीज लाइपोपोलीसक्राइड्स एंड बैक्टीरियल लाइपोपेप्टाइड्स ये एंडोटॉक्सिन होते हैं लाइपोपोलीसक्राइड्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादातर होते हैं क्योंकि इनमें क्लस्टर ऑफ uh, जो बैक्टीरिया हैं बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव भी हैं ग्राम नेगेटिव भी हैं उसके आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये टॉक्सिक काज करते हैं जिसको मेटाबोलिक एंडोटॉक्सीमिया कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ सम रिसेप्टर टॉल लाइक रिसेप्टर एन के एन एफ के बी न्यूक्लियर फैक्टर जो हैं के बी बी जो फैक्टर हैं ये भी इंक्रीज़ करते हैं जैसे इन्फ्लेमेशन इम्यून सेल एक्टिवेशन टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और फर्दर दिस ऑल्सो द कम्बिनेशन ऑफ दिज

जो हमारी जी आई टी है गैस्ट्रो इंटेस्ट्रेनल ट्रैक्ट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको सेकेंड ब्रेन ऑफ़ द बॉडी भी कहा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं नर्व्स होते हैं इम्यून सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका वर्क करता है जो कि बाहर से हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा देखें यहाँ पर जी आई टी जो गैस्ट्रो इंटस्ट्रेनल ट्रैक्ट इज़ ए मेटाबोलिकली रिच इन्वयरमेंट दैट हारबोर्स अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द बॉडीज़ इम्यून सेल्स तीन क्वार्टर्स जो बॉडीज़ के इम्यून सेल्स इसमें पाए जाते हैं इसके अलावा डाइट एंड जीन्स क्या होते हैं बेसिकली रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम एंड मेटाबोलिज्म आर अमंग द की फैक्टर्स विद पोटेंशियल टू अल्टर द बैक्टीरियल कम्युनिटी प्रेजेंट इन द गट तो डाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो उनके जीन्स होते हैं बॉडी के किसी भी इंसान के ह्यूमन के वो डिपेंड करते हैं कि वो क्या कम्युनिटी बनाते हैं वहाँ पे अच्छी बनाते हैं या बैड बनाते हैं वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर इसके अलावा दस एसोसिएशन ऑफ डाइट मेटाबोलिज्म इन दी एन एस एंड इम्यून सिस्टम विद डेवलपमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द गट माइक्रोब्याम इम्यून सिस्टम मिलकर सी एन एस सेंटर नर्वस सिस्टम मिलकर वो कम्पोजिशन गट माइक्रोब्याम की बनाते हैं और जिसका जो इंटरेस्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटेंसिव इंटरेस्ट अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी आजकल जो इसकी इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है तो इस टॉपिक को हमने चूज़ किया है ताकि आपको पता चले इसके बारे में

तकरीबन 150 से 200 टाइम्स गुना ज़्यादा इसके जीन्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम के बॉडी के अंदर मौजूद है हमारे साथ मौजूद है ये बच्चों में तो नहीं होता लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है पोस्ट नेटल लाइफ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेजम जो है विद द मिल्क के जरिए बहर इन्वायरमेंट के जरिए वो एंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर वैसे फीटस जो है वो स्टेराइल होती है जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेजम नहीं होता दिस अमाउंट्स टू

फर्मिक्यूट्स है ग्राम पॉजिटिव है टू सिक्सटी परसेंट टू एटी परसेंट तो इसमें तकरीबन बैक्टीराइडस हैं ग्राम नेगेटिव है और टू ट्वेंटी परसेंट टू फोर्टी परसेंट तो इसकी रेशो भी उन्होंने बताई कितने परसेंटेज होती है ये दो अबंडेंट बैक्टीरियल फाइलें हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाती हैं नेक्स्ट वी गो टर्ड्स द की डेफिनेशन सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वी विल डिस्कस हेयर इसमें माइक्रोबायोटा जो है कंस्टिट्यूटिंग माइक्रोबियल कम्यूनिटीज होती हैं बेसिकली सच एज बैक्टीरिया आर्किया फंजाई एंड प्रोटेस्ट्स इसमें शामिल हैं माइक्रोब्याम क्या है ये टर्म जो है पहले जीन्स के लिए इस्तेमाल होती थी माइक्रोब्स के जो जीन्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होती थी लेकिन अब करंटली जो है इसको यूज किया जाता है टू तो रेफ़र टू तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैम सेल्व यानी माइक्रोबायोटा ही कहा जाता है अल्टरनेटिवली वी कैन यूज वर्ल्ड माइक्रोबायोटा और माइक्रोबायोम तो प्रोबायोटिक्स दीज आर लाइव माइक्रो ऑर्गेजम दैट वन एडमिनिस्टर्ड इन एडिकुएट अमाउंट कन्फर हेल्थ बेनिफिट टू दी होस्ट ये प्रोबायोटिक्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं फायदा होते हैं बेनिफिशियल होते हैं उनको जब ह्यूमन बीइंग में देते हैं बच्चों में देते हैं या किसी भी डायरिया की कंडीशन में कोई और डिजीज़ में तो उसको एक्टिवेट करते हैं और हेल्थ को अच्छा करते हैं बेहतर बनाते हैं इसी तरह प्रीबायोटिक्स हैं दीज आर सबस्ट्रेट्स दैट आर सेलेक्टिवली यूटिलाइज बाई होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्फरिंग हेल्थ बेनिफिट्स प्री बायोटिक्स वो हैं जो एक डाइट होती है एक सप्लीमेंट होती है जो माइक्रो ऑर्गेजम की हेल्थ को बढ़ाती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं उसकी हेल्थ को बढ़ाएगी तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे और हमारे लिए अच्छा काम करेंगे एक एक अहम डेफिनेशन जो नई आई है फॉर मैको माइक्रोबायोनिक माइक्रोबायोमिक्स घट माइक्रोबायोम कैन इम्पैक्ट ड्रग एफिकेसी ये अब जो है फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक जैसे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं तो फार्माको माइक्रोबायोमिक्स तो ये एक नई है ये जो कि गट के जो ड्रग की एफिकेसी है उसकी पोटेंसी है वो उसमें कम हो सकती है बायो अवेलेबिलिटी कम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं अफेक्ट कर सकती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको गौर से आपने समझना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर ऑफ़ द माइक्रोबायोम व्हाट इज द पावर ऑफ द माइक्रोबायोम दैट इज प्रेजेंट इन द गट ऑल डिजीज बिगेन इन दट दिस इज़ दी कोट फ्राम द हिपोक्रेट्स द पावर ऑफ द माइक्रोब्याम इसमें पावर क्या है माइक्रोब्यायाम की क्योंकि वो ह्यूमन घट में रहते हैं और की कंट्रीब्यूट टू होस्ट मेटाबोलिज्म एक तो इनके अपने मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं और हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं उसके साथ भी कुछ चीज़ें सेंथिसाइज भी करते हैं बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं वटामिन भी बनाते हैं म्यूचलिज्म का भी काम करते हैं सिम्बियाटिक भी काम करते हैं एंड आर कंसिडर्ड पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ नावल थेरापिटिक्स अब लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं वो नावल थेरापिटिक्स के अंदर ये माइक्रोब्याम को देखा जा रहा है उसको चेक किया जा रहा है कि कौन सी ड्रग जो है इनके साथ इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्शन होता है तो उनको देखेंगे कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है उनकी एफिकेसी बढ़ जाती है और उनकी एफिकेसी कम हो जाती है वो हमें देखना होगा अगेंस्ट दोज पीपल तो जो डिजीज़ में डिसबियासिस होगा उसमें भी हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे मॉडिफिकेशन